हेलो नमस्कार सभी को, मैं उपिधि आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कुछ एग्जाम्स को लेकर, जैसे हरियाणा पुलिस है और सीडी एग्जाम है, कोई करेक्शन है उसको लेकर है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस के बारे में, आप सभी ने जो चेयरमैन साहब है उनका इंटरव्यू देख लिया होगा। हरियाणा पुलिस के बारे में उन्होंने बताया है कि हमारे पास अभी तक रूल्स नहीं आए हैं, जैसे ही हमारे पास रूल आ जाएंगे तो रूल्स आने के बाद अगले सप्ताह में हम एडवर्टीजमेंट इसकी है जो निकाल देंगे, ठीक है, बता देंगे कि क्या सिक्वेंस होगा, यानी कि किस सिक्वेंस में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो वो सारी सिक्वेंस आगे से हमारे पास नहीं आई है अभी, जैसे ही सिक्वेंस आएगी तो सिक्वेंस आने के बाद अगले हफ्ता बता दिया जाएगा। दूसरी बात सीईटी क्वालिफाई को लेकर उन्होंने बताया कि सीईटी अभी तक क्वालिफाई हमारे हाथ में करना नहीं है, ठीक है, क्वालिफाई करना और ना करना ये हरियाणा सरकार के हाथ में है। तो अभी तक जो है इसमें चार गुणा का ही नियम है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे कुछ बच्चों के मैसेज भी आते थे सर डीओबी, जैसे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, ठीक है, उसका करेक्शन आप लोगों को करना है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो इसके लिए चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने जो डेटा है वो फ्रीज कर दिया है अभी तक, ठीक है, ताकि जो सीईटी है स्कोर के साथ कोई छेड़खानी ना हो सके। तो अभी तक यही होता रहेगा। यदि आप चार गुना में आ जाएंगे, यानी कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए लगता है, तो जब आप डीवी कराएंगे उस टाइम पर आपको मौका दिया जाएगा ये सब चीज़ें ठीक करवाने का, क्लियर है। दूसरी एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने बताया है कि कुछ बच्चे एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम एक एडिशनल कॉलम देने जा रहे हैं, तो जिसमें जिनकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और जिन्होंने कर दिया है तो हमारे पास वो मैसेज कर सकते हैं, हम खुद ही वेरीफाई करके उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, वो खुद ही कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीईटी मार्क्स से कुछ बच्चों के यहाँ पर कम दिखा रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि हमने वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो जिन बच्चों ने चाहे प्रोविजनल है या नहीं है, तो जिसने वेरीफाई किया है तो उनके मार्क्स आपके अपडेट कर दिए गए हैं, और जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया है उनको 5 मार्क्स मिल रहे थे तो उनके काट लिए गए हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि हमने 5 मार्क्स काट लिए हैं जिन्होंने वेरीफाई नहीं करवाया है। अगर आप चार गुना में आ जाएंगे तो इसका भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि अब आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया था, यदि 5 नंबर काट लिए गए हैं, तो आप उनको मैसेज करके या वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम आपका जो होगा, ये तो बता ही चुके हैं कि आपके 2 पेपर नहीं होंगे, ना ही इसमें क्वालिफाई का कोई क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है, ठीक है, एक ही एग्जाम के आधार पर आपकी नौकरी इसमें मिलने वाली है। उसके बाद जो उन्होंने 4 गुना का नियम है, जैसे सीएम साहब ने बताया था कि हम 1,40,000 बुला लेंगे डायरेक्ट 4 गुना, तो चेयरमैन साहब ने बताया है कि जो हम 4 गुना बुलाएंगे वो ग्रुप के हिसाब से आपकी जो कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग, जैसे मान लीजिए कलर की आपकी 100 भर्ती हैं और इसमें आपकी जनरल बीसी ए बी सी बी की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जनरल में आपकी यदि 50 वैकेंसीज हैं तो उसका 4 गुना वो 200 बुलाएंगे, बीसी बी में यदि आपकी 20 है तो 4 गुना 80 बुलाएंगे, इस तरीके से वो बुलाने वाले हैं और उन सबको ऐड करके फिर वो आपका एडमिट कार्ड निकालने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट मैसेज ये दिया है कि जो भी छात्र है अपना जो सीईटी का ये भर रहे हैं अपना, तो ध्यानपूर्वक कीजिए, यदि आपकी कोई गलती होती है तो आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा करेक्शन के लिए, तो अपना ठीक ठाक से वेट करके, जिन्होंने नहीं भरा है अभी तक, कुछ हो सकता है अपडेट हो इसमें तो 2-3 दिन वेट कीजिए, हो सकता है कुछ और इसमें करेक्शन की जाए, और अपना आराम से स्क्रीन को देख कर ठीक ढंग से कि सारी चीज़ें अपने ढंग से भरी हैं कि नहीं भरी हैं, तभी आप उसको सबमिट करें, अन्यथा आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी आपको सीटी एग्जाम को लेकर। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमारे चैनल पर क्लासेस मिल रही हैं, तो वहाँ से आप जरूर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।